लालसोट विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती व चोर गिरोह के आतंक से परेशान जनता की व्याप्त समस्याओं को लेकर रामगढ़ पचवारा एसडीएम को भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द पुलिस द्वारा चोरों को पकड़कर खुलासा करने की मांग की गई। चोरी हुए जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल वापस पीड़ित परिवार को दिलाए, अन्यथा मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण प्रशासन और सरकार की रहेगी। गाँव में लोग रात को चैन से सो भी नहीं पाते हैं। गाँव के लोग दहशत में जी रहे हैं। रात को बिजली कटौती की वजह से चोरियां बढ़ रही है, इसलिए समय रहते बिजली विभाग इस समस्या पर ध्यान दे। ग्रामीण एरियों में लोग दूर दूर ढाणी ढाणी से अलग अलग खेतों में बनाकर रह रहे हैं। रात को बिजली कटौती होते ही चोर मौका देकर चोर की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर विद्युत विभाग समय रहते लाइट कटौती का निस्तारण नहीं करती है तो बिजली बोर्ड के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। रामगढ़ पचवारा में आए दिन चोरी की घटना हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? रामगढ़ पचवारा में डेली चोरियां हो रही है, हर गांव में हो रही है। उन सब चोरियों को लेके हमने आज ज्ञापन दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी एक भी कोई चोर नहीं पकड़ा गया, ना कोई चोरी बरामद हुई है। और जो बिजली की कटौती चल रही है उसका भी बेलिमिट चल रही है, कभी 4 घंटे कटौती रहती है, 6 घंटे रहती है। इन दोनों चीज़ों को लेके आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। या तो सुधार होता ही नहीं, फिर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे इन चीज़ों में।